के पौधे की साथ ही साथ इसके उपयोग की संपूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, भृंगराज एक मौसमी पौधा है जो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है जिसका उपयोग हम शरीर के अंदर और बाहर अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए करते हैं। इसे बालों के झड़ने से रोकने, बालों के पकने, बालों के बढ़ने के साथ साथ लीवर, किडनी सहित पेट की कई बीमारियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भृंगराज को केशराज या बालों का राजा कहा जाता है। भृंगराज का लैटिन नेम एक्लिप्टा एल्बा है जिसका काम शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। दोस्तों, इसके फूल छोटे छोटे सफेद होते हैं जो बाद में काले काले नजर आते हैं। अगर हम इसकी पत्तियों को बीच में दबाकर रगड़ेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, तो उसमें गहरा हरा रंग आ जाता है। यह इस पौधे की खास पहचान होती है। दोस्तों, इसका छोटा पौधा होता है और इसकी पत्तियां भाले के समान दिखाई देती हैं। इसे आम भाषा में भांगरा या भंगरैया कहते हैं और संस्कृत में इसे केशराज या केश रंजन कहते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भृंगराज के अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यह विभिन्न प्रक्रमण से भी बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में होने वाली सूजन को रोकने में भी काफी मदद करता है। इसके अंदर मौजूद बालों के बढ़ाने में सहायक पोषक तत्व बालों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ बालों की वृद्धि भी करते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम भृंगराज का सेवन किन तरीकों से कर सकते हैं। शरीर की बाहरी बीमारी के लिए आप इसे तेल, पाउडर या पेस्ट के साथ मिलाकर उपयोग में ला सकते हैं और शरीर की अंदर की परेशानी के लिए जूस, पाउडर के रूप में सेवन कर सकते हैं। मार्केट में भी इसके कैप्सूल और भृंगराज आसव मिल जाता है जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बालों को घना, काला और सुंदर बनाना है तो आंवला, शिकाकाई, रीठा और भृंगराज के पाउडर में पानी मिलाकर लोहे की कढ़ाई में गर्म करते हुए पेस्ट बनाएं। इसे सर पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर सर को धो लें। इसके अलावा अगर आप इसका तेल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी पत्तियों का रस और तेल, तेल के रूप में आप नारियल का तेल, सरसों या तिल का तेल उपयोग कर सकते हैं। इनको बराबर मात्रा में लें और फिर धीमी आंच पर पकाएं। आप इसमें आंवले का रस या आंवले के कुछ टुकड़े भी डाल सकते हैं। इससे यह तेल और अधिक गुणकारी हो जाता है। दोस्तों, जब सिर्फ तेल बचे तो आप इसे छानकर बॉटल में रख लें और इसका उपयोग करें। दोस्तों, अगर बालों में रूसी हो या आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसके पत्तों का रस 15 से 20 ml की मात्रा में लें। इसमें थोड़ा सुहागे की खील और दही मिलाकर बालों की जड़ में लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में बाल धो लें। ऐसा 1 महीने तक उपयोग करते रहने से आपके बालों की रूसी में आराम मिलेगा और फिर बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बालों में गंजेपन की शिकायत से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बना लें और इन्हें जड़ों में लगाकर 5 घंटों के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से बाल धो लें। दोस्तों, शरीर की अंदरूनी बीमारी के लिए भृंगराज काफी उपयोगी है। यह लीवर और किडनी की रामबाण औषध है। इसके लिए आप इसका जूस बनाकर ले सकते हैं, इसका पाउडर शहद के साथ ले सकते हैं और मार्केट में इसकी कैप्सूल और भृंगराज आसव मिलता है, वह भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, भृंगराज शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी सहायता करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है तो आप इसकी पत्तियों का रस या इसकी पत्तियों का पेस्ट उस चोट पर लगाएंगे तो वह चोट जल्द ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं और आपकी डायबिटीज के कारण भी अगर आपकी चोट ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में भी भृंगराज आप वहां लगाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कब्ज और भूख की कमी से परेशान हैं तो आप भृंगराज आसव बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी कि आप भृंगराज को कैसे पहचाने, साथ ही साथ इसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।